लगभग हम 1 किलोमीटर ही चले हैं, अभी काफी रास्ता है। तो ये आगे मेरी पूरी फैमिली, नन्हे मुंडे बच्चे। दोस्तों जो हमने यात्रा पर्ची ली थी यहाँ पर, वो चेक होगी। और माता जी ने जहाँ पर बाल भी धोए थे अपने, उसको बाण गंगा कहते हैं और बाल गंगा कहते हैं। तो ये है चरण पादुका मंदिर, जहाँ पर माता के चरणों के निशान है। उससे जाता है गर्भजून का रास्ता, तो जहाँ से आप पर्ची ले सकते हो, गर्भजून में जा सकते हो। आलू वाला परोठा। पीछे देख रहा है हमको बबन, बबन का व्यू देख रहे हो आप भैरव घाटी से। अभी मैं आपको भैरव घाटी से दिखा रहा हूँ। यहाँ से मिलेगी हमें यात्रा पर्ची, तो यहाँ आते ही पहले लेनी है यात्रा पर्ची, उसके बाद करना है बाकी काम बाद में। हेलो, तो दोस्तों हम हैं अभी कटरा में, तो आए थे अभी यात्रा पर्ची लेने के लिए, जो कि हमें मिल चुकी है। बहुत बड़ी लाइन लगी थी, प्रॉब्लम भी हुई, तो अभी चलते हैं आगे का सफर शुरू करते हैं। दोस्तों ये है नीचे कटरा शॉप, देख रहे हो बस स्टैंड, ये सामने टैक्सी स्टैंड है, और ये है नीचे बस स्टैंड। और वो दिख रहा है माता जी का बाबन, ऊपर बाबन तो नहीं दिख रहा है, ये जो लाइटें जल रही हैं, बस आज इधर ही जाएंगे। 18 किलोमीटर का ट्रैक है आज। ये है यात्रा पर्ची काउंटर, बहुत लाइनें लगी थी यार इधर। चलो अभी बाकी फैमिली भी आई थी, थोड़ा प्रॉब्लम हो गई क्योंकि वो नहीं आए थे पर्ची कटवाने, तो उनकी मिली नहीं, एक एक बंदे की केले केले की दे रहे थे, तो इसलिए सिंगल सिंगल आदमी को मिल रही, तो उनको भी आना पड़ेगा अभी। तो चलो हम उनका वेट करते हैं अभी। तो यात्रा कर लिए शुरू, तो अगर आप जहाँ से ऑटो रिक्शा में जाना चाहते हो वो भी जा सकते हो, 200 से 250 रुपये चार्ज लेते हैं ऑटो रिक्शा वाले। पर ये जा रही हमारी लाडी, फर्स्ट टाइम जा रहा है माता जी के, अभी 5 महीना लगा है इसको, फर्स्ट टाइम माता वैष्णो जा रहा है। चलो बने रहिए ब्लॉग में, दिखाता हूँ ऊपर तक आए, पूरे दर्शन करवाऊँगा मैं आपको, जय माता जी। दोस्तों ये दिख रहा है ऊपर माता जी का जो रास्ता जाएगा, उस रास्ते से जाएंगे हम, बहुत बड़ी पहाड़ी है। हेलो, हाय करो। ये सब जा रहे हैं हमारे साथ विद फैमिली, दिखने आ रहा अंधेरा आ गया। तो अभी लगभग हम 1 किलोमीटर ही चले हैं, अभी काफी रास्ता है। तो ये आ गई मेरी पूरी फैमिली, नन्हे मुंडे बच्चे, हाय दोस्तों, ये परमानेंट वीडियो देखने वाले बंदे हैं दोस्तों। हम आज हमें माता वैष्णो के दरबार, तो आज हमें बहुत ही मजा आने वाला है आगे। और ये है लाडी डॉन, पहली बार जा रहा है माता वैष्णो देवी, पहली बार जा रहा है, हम भी बहुत देर बाद जा रहे हैं। वैसे तो मैं भी पहली बार ही जा रही हूँ, तो देखते हैं आगे कैसा है नजारा देखने का। मैंने सुना तो बहुत अच्छी है, तो बने रहिए ब्लॉग में। तो दोस्तों जो हमने यात्रा पर्ची ली थी यहाँ पर, वो चेक होगी, तो जहाँ अगर यात्रा पर्ची आपके पास नहीं है तो आपको आगे नहीं जाने देंगे, और यात्रा पर्ची जब चेक होगी और हमें आगे के लिए छोड़ देंगे,